Hey everyone, welcome to Biology ATs. हमारी YouTube family Biology ATs पर 500 के members होने की खुशी में मैंने आप सभी के लिए giveaway announce किया है. अगर आप लोगों ने giveaway announcement video नहीं देखी है बच्चों, तो मैं आप लोगों को इस video के description में giveaway announcement video का link provide करा दूंगी. उसके अंदर मैंने सभी BPL students से request किया है कि आप लोग अपना BPL certificate मुझे mail करें, ताकि मुझसे जितना हो पाए मैं उतने बच्चों तक NEET preparation के previous year questions के book पहुंचा सकूं. काफी बच्चे थे जिन्होंने उस video के comment section में ये कहा कि दी हमारे पास BPL certificate तो नहीं है, लेकिन हम लोग भी books afford नहीं कर सकते हैं. अगर बच्चों आपके साथ ऐसा issue है कि आपके parents आपके NEET की preparation में आपको support नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पास BPL certificate नहीं है, उसके बावजूद भी आप books afford नहीं कर सकते हैं, तो भी आप मुझे mail करें, आपकी जो भी problem है मुझसे share करें. मैं randomly 20 बच्चों को pick करूंगी बच्चों. अगर आपका नाम उन 20 बच्चों के लिस्ट में आता है, तो मैं आप लोगों को physics, chemistry, biology के previous year questions का set जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचाऊंगी, ठीक है? 28 नवंबर तक मैं सारे mails accept करूंगी. उसके बाद 30th नवंबर को मैं आप लोगों के giveaway result की video upload कर दूंगी. इस पूरे preparatory phase में मैं कोशिश करूंगी बच्चों की चाहे मेरे platform पर या फिर किसी भी और platform पर कोई भी free event, free mock test या फिर affordable price पर mock test release होते हैं, तो मैं time to time आप लोगों को बताती रहूं, ताकि पैसे की कमी ये आपके preparatory phase में hurdle का काम बिल्कुल भी ना करे. मैं Unacademy पर free live classes भी ले रही हूं, जिसके अंदर फिलहाल मैं आप लोगों की human physiology complete करा रही हूं. मैं आपके NEET biology complete syllabus से chapter wise quizzes भी आप लोगों के लिए conduct करवाऊंगी, ताकि at least biology section तो मेरी तरफ से आप लोगों का super strong हो सके. साथ ही इस संडे 21st नवंबर को Unacademy पर सुबह 11 बजे एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है Unacademy मेगा कॉम्पैक्ट नाम से, जहां पर 45 मिनट्स के अंदर आप लोगों को 28 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 7 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी. ये एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों, जिसमें एनरोल कराने के लिए आप लोगों को सिर्फ biology@ease कोड यूज करना है. बाकी सारी डिटेल्स जानने के लिए इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं. क्लास 11th 12th ड्रॉपर स्टूडेंट्स, तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं. इस स्कॉलरशिप टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टॉप रैंकर्स को रिवॉर्ड मिलेगा. फर्स्ट 3 रैंकर्स को तो 100% डिस्काउंट मिलेगा ऑन Unacademy सब्सक्रिप्शन. बाकी सारे रिवॉर्ड्स भी मैं आपको स्क्रीन पर शो करा रही हूं. आप इस 45 मिनट के फ्री टेस्ट में biology@ease कोड यूज करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं. टॉप रैंकर्स में आते हैं तो Unacademy के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट प्लस बाकी सारे रिवॉर्ड्स का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप लोगों को NEET बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपसे 360 ऑन 360 तो कोई भी ना चुरा पाए. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर साल NEET के बायोलॉजी सेक्शन में 360 ऑन 360 स्कोर करने वाले बच्चों का नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है. और कहीं ना कहीं इसका रीजन ये है कि NEET का स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है. यानी कि अगर आप कोई और बुक पढ़ो ना पढ़ो, आप सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करके गए हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके आराम से 350 प्लस या फिर 360 ऑन 360 आ सकते हैं. तो बच्चों, चाहे आप किसी भी बुक को रेफर कर रहे हो, किसी भी रेफरेंस बुक कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, लेकिन प्लीज एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. ये मैं मानती हूं कि एनसीईआरटी में काफी ज्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो तो समझ नहीं आती. जैसे कि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस की अगर मैं बात करूं, माइटोसिस मियोसिस की अगर मैं बात करूं, काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करूं, ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी से सिर्फ पढ़ा जाए तो समझ नहीं आते हैं, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं या फिर अपनी रेफरेंस बुक्स की मदद ले सकते हैं. बस मेरा ये कहना है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रिपरेशन रखना. किसी डिफिकल्ट टॉपिक को अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ भी रहे हो, तो रेफरेंस बुक से पढ़ते हुए उस टॉपिक की डिटेल में इतना ज्यादा मत घुस जाना कि आप लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स भी कवर करने चले गए, ठीक है? जब भी आप लोग एनसीईआरटी से बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि उस चैप्टर से रिलेटेड आप नोट्स बनाएंगे, और दो टाइप के नोट्स बनाएंगे. पहला, डिटेल्ड नोट्स, ताकि उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सको अपने नोट्स के जरिए. दूसरा, क्विक रिवीजन नोट्स, जो कि आपके एग्जाम से एक हफ्ते या एक दिन पहले आपको रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. इन क्विक रिवीजन नोट्स में आपके फ्लो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिस्कवरीज, इवेंट्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी. ऐसा नहीं है कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, लेकिन हाँ, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है उससे रिलेटेड नोट्स बनाओ, ईजी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हुए नोट्स बनाओ, ताकि आपको ईजिली वो चीज समझ आ सके. तीसरी चीज बच्चों, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ते चले जा रहे हो, उन चैप्टर्स में से
जितने भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे हैं, सपोज आज आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, देखो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं और आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप लोग चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो, हर चैप्टर से डिफिकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट बनाते रहो कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको मुझे रिवाइज करना है। उन टॉपिक्स को मंथ में कम से कम एक या दो बार रिवाइज करने का टारगेट आप लोग रखेंगे। तो हर चैप्टर से डिफिकल्ट टॉपिक्स की एक अलग लिस्ट बनाएंगे, उन टॉपिक्स को जितना हो सके रिवाइज करेंगे ताकि उन टॉपिक्स के वजह से आप लोगों के नीट में कहीं नंबर न कट सके। नेक्स्ट चीज बच्चों, जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जैसे ही आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जाहिर सी बात है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि सच में मुझे टॉपिक समझ आया है या फिर नहीं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर मैंने आप लोगों के लिए 130 प्लस पीडीएफ फाइल अपलोड करी हुई है, जहां से टोटल 15,000 प्लस एमसीक्यूज आपके बायोलॉजी सिलेबस से मैंने बनाए हुए हैं, जिसके अंडर आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। दो चैप्टर्स को कंबाइन करते हुए पीडीएफ की फॉर्म में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, यूनिट वाइज बायोलॉजी सेक्शन के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए फिकर मत करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। नेक्स्ट चीज बच्चे, टाइम मैनेजमेंट की स्किल सबसे बेहतर तरीके से आप लोगों को बायोलॉजी सिखा सकता है। और टाइम मैनेज करना है तो सबसे इजी तरीका है कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी करने पर अपने टाइम मैनेजमेंट की स्किल को मजबूत करो। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर आज आपने पढ़ा, दो दिन बाद आपने 90 क्वेश्चंस का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का टेस्ट लिया, ठीक है। पहली बार जब आप लोग 90 क्वेश्चंस का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का खुद का टेस्ट लेने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों ने टारगेट रखा है कि ये 90 क्वेश्चंस मुझे 45 मिनट्स में करने हैं, ठीक है जी। दो महीने बाद आप लोगों ने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर को वापस रिवाइज करने की सोची, ठीक है। दो महीने बाद आपने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर वापस निकाला, आपने कहा कि आज मैं दोबारा से 90 क्वेश्चंस करूंगी, मैंने कोई भी 90 क्वेश्चंस चूज करे, अब मैं कोशिश करूंगी कि पहली बार में जब मैंने 90 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में किया था, तो इस बार मैं कोशिश करती हूं कि 90 क्वेश्चंस को मैं 40 या फिर 35 मिनट्स में कर सकूं। जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आप लोग दूसरी या तीसरी बार 90 क्वेश्चंस का सेट बनाते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, तो पहली बार में आपने जितने मिनट में क्वेश्चंस करे थे, दूसरी बार उससे कम टाइम लेते हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होता है, आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की या फिर फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आंसर आता है तो मार्क करोगे, नहीं आता है तो छोड़ दोगे। कोशिश करो बच्चों कि 90 क्वेश्चंस को आप लोग 30 मिनट में करने का टारगेट रखो। नहीं हो पाता है तो चलेगा, 35-40 मिनट्स भी चलेगा। लेकिन मैंने कई बार टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पता किया है कि वो कहते थे दी हमारा तो 25 या 30 मिनट में ही बायोलॉजी सेक्शन हो जाता था। तो अगर आप लोग 90 क्वेश्चंस 30 मिनट में करने लायक हो गए हैं, यानी कि बायोलॉजी को लेकर आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल आप लोग बायोलॉजी में बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए कोशिश करो, शुरुआत करो कि पहले जितने क्वेश्चंस कर रहे हो उसका हाफ टाइम लो। 90 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 90 का हाफ हो गया 45 मिनट्स। अगली बार जब 90 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कर रहे हो तो 40 मिनट्स लो, उसके अगले बार 35 मिनट्स लो। जिस वक्त आपको लग जाए कि भाई अब मेरे 90 क्वेश्चंस 30 मिनट में होने लग गए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उस टाइम सोचिएगा कि अब ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हो गया है, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अब मुझसे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना इस चैप्टर से पूछा जाए, मैं इजिली कर लूंगा। लास्ट चीज बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूं कि मंथली टारगेट रखते हुए पढ़ाई करना, बायोलॉजी के भी मंथली टारगेट जरूर रखिएगा। जैसे कि आप लोग एक मंथ का टारगेट रखोगे, कम से कम टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मेरे बायोलॉजी के कम से कम 7 चैप्टर्स तो एक महीने में हो जाने चाहिए। हर वीक आप लोग बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स करने का टारगेट तो रखिए। अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो हर वीक 3 चैप्टर्स करने का टारगेट रखो, एक महीने में आप लोगों के आराम से 12 चैप्टर हो जाएंगे। मंथली रिविजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज आपने अक्टूबर के महीने बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट कंप्लीट कर लिया था, आप लोग दिसंबर में ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट वापस से रिवाइज करिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि 2 महीने पहले जो मैंने यूनिट पढ़ी थी क्या सच में अभी मुझे उससे रिलेटेड याद है। हर एक महीने के गैप में एक महीने पहले जो कुछ पढ़ा था उसको रिवाइज करने का टाइम भी जरूर निकालिए, क्योंकि प्रेशर में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, 5 महीने बचे हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस बचा है, प्रेशर बना हुआ है, तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हर एक महीने में एक महीने पहला पढ़ा हुआ जरूर रिवाइज करें।
बायोलॉजी को लेकर बच्चे कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ये सोचते हुए कि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, लास्ट मोमेंट में भी पढ़ाई हो जाएगी। ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम नंबर आते हैं तो इतना ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कम नंबर सिर्फ आपके नहीं आ रहे होते हैं, बाकी मेजोरिटी भी कह रही होती है कि यार पेपर टफ था या फिर लेंथी पेपर था इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन बायोलॉजी में अगर कम नंबर आए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये तो एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज थी, अगर एक रात पहले भी इस लाइन को देख लिया होता तो 4 नंबर मिल जाते। तो बायोलॉजी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना होए, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है फिर भी बायोलॉजी को रिवाइज जरूर करते रहें। बायोलॉजी में एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगले 5 महीने के लिए आप लोग बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आपका पार्टनर चाह रहा है कि आप बार बार उससे मिलो। बायोलॉजी एनसीईआरटी चाह रही है आप बार बार उसे पढ़ो, आपका पार्टनर चाह रहा है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पर भी फोकस करो। एनसीईआरटी चाह रही है कि मुझमें जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स में क्या तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, क्या तुम्हें इजी लगता है, तुम सेग्रीगेट कर सको और उसके बेसिस पर प्रिपरेशन कर सको। तो नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हुए इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताइए कि नीट 2022 का पेपर आने से पहले आप लोगों का क्या टारगेट है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी आप मिनिमम कितने बार पढ़ चुके होंगे। कई बार टॉपर्स ने मुझे यह भी बताया है कि दी हमने नीट आने से पहले 15 बार एनसीईआरटी रीड करी थी। आप अपना मिनिमम टारगेट बताओ, मिनिमम 4, 5, 6 मिनिमम कितने बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बिफोर योर नीट 2022 एग्जाम। आई विल रीड एनसीईआरटी मिनिमम 3 times बिफोर नीट 2022। आई विल रीड एनसीईआरटी मिनिमम 3 times, 4 times, 5 times, 7 times बिफोर नीट 2022। मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। पूरे प्रेपरेटरी फेज में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। स्टे ट्यून बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रेपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।